चुलबुल, बॉल को इधर फेंको। हाँ, इधर। अरे पहले गाजर तो खा लूं। गाड़ी के नीचे। अब बॉल को यहाँ से कैसे निकाले? तुम्हें इतने जोर से किक लगाने के लिए किसने कहा था? मैंने तो नॉर्मल किक ही लगाई थी। तुम्हें तो पता ही है कि हम डोंकी लोगों की नॉर्मल किक भी कितनी पावरफुल होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से बॉल को कैसे निकाले? एक आइडिया है मेरे पास। तुम लोग नजर रखो, कोई देख तो नहीं रहा। तो बड़ी गुड गुड टाइप की मॉर्निंग लग रही है। मेरी कार को क्या हुआ? चिंटू, चट्टान कल धरती पर लैंड कर चुके हैं। उन्होंने हमें देख लिया तो गजब हो जाएगा। जल्दी से काम करो। अभी लो बॉस। मेरी कार कहाँ गई? जिंटू, कार वापस लाओ। अरे हमें गायब करना था, कार को नहीं। मेरी कार, मेरी इकलौती और प्यारी कार कहाँ गायब हो गई? जिंटू, जल्दी वापस लाओ ना चड्डा की कार को। ये लो आ गई। बंटी की मम्मी, तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? सब नॉर्मल करो पहले जैसे। तुम कभी ठीक से ऑर्डर नहीं दे सकते क्या? बताना था ना कि कार को नहीं तुमको गायब करना है। क्या हो रहा है मेरे साथ? बंटी की मम्मी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों सारा मोहल्ला सर पर उठा रखा है? क्योंकि मेरे सर से पांव तक की लंबाई सिर्फ 1 फुट की हो गई है। ये देखो। ये क्या हुआ? मेरी कार तो वहाँ है। फिर मैं क्या ये सपना देख रहा था? वह कुछ नहीं हुआ बंटी की मम्मी। लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। तुम बाप बेटे एक ही जैसे हो, कभी वो तंग करता है तो कभी तुम। मैड मैक्स इज वेरी वेरी मैड। तुम लोग आज तक प्रेम सहाय की रोबोट को नहीं पकड़ पाए। कंट्रोल बॉस, कंट्रोल। आप जैसे जीनियस, सुपर डुपर जीनियस पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। कैट मोना, एक सिर्फ तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स को समझती हो, वरना ये सब तो निकम्मे और बेवकूफ लोग हैं। ये देखिए बॉस, मैंने आपके लिए एक रोबो डॉग बनाया है। ये सूंघ के प्रेम सहाय और उसके रोबो को पकड़ लेगा। दिखाओ, देखें जरा कैसे ये प्रेम सहाय को पकड़ेगा। यस बॉस, आप अभी एक नमूना देख लीजिए। अपना रुमाल दीजिए जरा। ये लो, दिखाओ, नमूना दिखाओ। सच? क्या नमूना दिखाया है तुमने? मुझे ही नमूना बना दिया। मैड मैक्स इज वेरी वेरी मैड। मिस्टर मैड मैक्स, माय नेम इज कोबरा। अगर आपको प्रेम सहाय चाहिए तो वो मैं आपको लाकर दे सकता हूँ। मुझे क्या मिलेगा? जितनी दौलत चाहिए ले सकते हो, लेकिन तुम मुझे ढूंढोगे कैसे?
उसे हम नहीं बल्कि उसके ही लोग ढूंढ कर हमें देंगे। और आज की बड़ी खबर, शहर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मीनार पर कोबरा नाम के एक खतरनाक अपराधी ने मिसाइल लगा दी है और उसने गवर्नमेंट के सामने अपनी एक मांग रखी है। याद रहे, कोबरा नाम है मेरा और सरकार से मेरी डिमांड ये है कि डॉक्टर प्रेम सहाय जहां कहीं भी हो उसे मेरे हवाले कर दिया जाए, वरना मैं अपनी मिसाइल से सारे शहर को तबाह कर दूंगा। और हाँ, एक बात और, अगर पुलिस फोर्स या आर्मी मेरे नजदीक भी आई तब भी मैं पूरे फुर्सतगंज को बर्बाद कर दूंगा। ओके वीर, ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। शहर के लोगों की जान खतरे में है और लोगों की जान बचाने के लिए मुझे खुद को कोबरा के हवाले कर देना चाहिए। नहीं दादाजी, मैं हूँ ना, आप ही तो कहते हैं थिंक पॉजिटिव तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। कोबरा के पास आप नहीं, मैं जाऊँगा। हमें वहाँ उस मीनार पर जाना है, पर जिंटू को बुलाओ। जिंटू दिन, मैं हूँ जिन। हाँ बोलिए बॉस, प्रॉब्लम क्या है? जिंटू, उस मीनार पे खतरनाक अपराधी है, उसे निपटना है। उसे डॉक्टर प्रेम सहाय चाहिए, वरना वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसे डॉक्टर सहाय चाहिए ना। यहाँ इस शहर में जितने भी डॉक्टर सहाय नाम के डॉक्टर्स हैं सब हाजिर हैं। ये लो। ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा। मैं तो नहा रहा था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? अरे मैं तो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? सबको गायब करो जल्दी। उफ, मुझे समझ में ही नहीं आता कि जब इन्हें गायब ही करना था तो इन्हें बुलाया है क्यों? लगता है मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। खैर तुम जाओ, मैं ही कुछ सोचता हूँ। बस तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे उड़ने वाला मंत्र बता दो और फिर तुम जा सकते हो। ओके बॉस। मंत्र है अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये कह के कहो मैं उड़ जाऊँ या हम उड़ जाएं, और तुम उड़ जाओगे। मेरी मदद की जरूरत हो तो बुला लेना। थैंक यू, इतनी मदद ही काफी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम और हम उड़ जाएंगे। चलो चलो हमें उड़ने चलो। बॉस बॉस देखो, हवा में डोंकी उड़ रहा है। कहाँ है उड़ने वाला डोंकी? हमारा दिमाग तो ठीक है, डोंकी भी कहीं उड़ता है। चुलबुल तुम हवा में दौड़ के उन्हें अपना शो दिखाओ और उनका ध्यान बटाओ, तब तक मैं मौके का फायदा उठा लेता हूँ। ओके वीर। बॉस बॉस इधर आओ, ये देखो ये इधर क्या हो रहा है। ओए तेरी, ये क्या तमाशा है? ऐसा तो अंग्रेजी फिल्मों में होता है। आज रियल लाइफ में हो रहा है बॉस, कुछ तो लोचा है। हमें हमारे मकसद से भटकाने के लिए ये जरूर किसी की चाल है। मिसाइल के पास चलो फौरन। तो तुम हो? बस बहुत हो गया बच्चे। कोबरा से पंगा है? ये लो कोबरा पंच खाओ।
कर देखते हैं कि असली है या नकली। अरे वाह, ये तो एकदम असली। वीर, तुम नाम से ही नहीं सचमुच के भी वीर हो।